बॉलीवुड इंडस्ट्री से हमेशा ब्रेकअप और अफेयर की खबरें हमें सुनाई देती रहती है। हर दिन बॉलीवुड की गलियों से कोई ना कोई एक नई कहानी सामने आती है जो सभी को हैरान कर देती है। ऐसी एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के किंग खान की है। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है उनका तीसरा बेटा अबराम खान। क्योंकि आखिरकार ये बात अब सभी को पता चल चुकी है कि शाहरुख खान के तीसरे बेटे अबराम खान की मां कौन है। ये वाकई काफी ज्यादा चौंकाने वाला मामला है क्योंकि अबराम की मां गौरी खान नहीं है बल्कि कोई और है। शाहरुख खान पहले से ही दो बच्चों के पिता है और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो एक बार फिर से पिता बनना चाहते थे, जिस वजह से शाहरुख खान और गौरी खान ने मिलकर फैसला किया कि वो एक और बच्चे को जन्म देंगे, लेकिन वो सैरोगेसी के जरिए उस बच्चे को गोद लेंगे। जिसके बाद शाहरुख के परिवार में अबराम का जन्म हुआ, जिसको सैरोगेसी के जरिए शाहरुख खान ने गोद लिया था, और इसी वजह से शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान अबराम की माँ नहीं है, बल्कि जिसने अबराम को जन्म दिया वो अबराम की असली माँ है, और वो कोई और नहीं गौरी की भाभी नमिता छिब्बर थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं उनकी चाची है जिन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शाहरुख के तीसरे बेटे को जन्म दिया। क्योंकि इस बच्चे का जन्म 7वें महीने में हुआ था, इसलिए इसे सिर्फ अस्पताल में रखा गया था। इसी के साथ हम आपको एक और बात बता दें कि जब भी सवाल अबराम से जुड़ा होता है तो आमतौर पर शाहरुख इससे बचते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से शाहरुख के बेटे अबराम को लेकर ये खुलासा काफी बड़ा और महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड के गलियारों की इसी तरह की रोचक खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।